कार्तिक सिंह के घर को लेकर यहाँ हम आपके बीच बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रग मामले में इस नाम को अब पूरी तरह से ट्रेंड क्रिएट करते देखा जा रहा है, क्योंकि भारती सिंह एक ऐसा नाम है जो कि अब तक तो कॉमेडी की दुनिया में राज कर रही थी और अपने कॉमेडी से लोगों को हंसाया करती थी, लेकिन इस वक्त लोगों की नींदें उड़ाकर भारती सिंह खुद ही परेशान हैं, क्योंकि भारती ऐसे मामले में फंसी है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर भारती सिंह की हिरासत में आने की खबर के बाद काफ़ी बवाल खड़ा कर दिया गया है। भारती सिंह नाम ट्रेंड कर रहा है क्योंकि भारती अपने हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ शादी के 3 साल बाद, यानी कि साल 2017 में उनकी शादी हुई और 3 साल पूरा होगा 3 दिसंबर की तारीख को, इससे पहले जिन्होंने मां बनने को लेकर इशारे किए थे कि 2021 में वो फैमिली प्लानिंग करेंगी, इससे पहले उनके घर पुलिस का ऐसा करारा झटका उन्हें लगेगा कि उन्होंने सोचा ही नहीं था। घर परिवार को बढ़ाना चाहती थी, अपने घर पर नन्हे मेहमान के स्वागत की प्रिपरेशन कर रही थी भारती। इस बीच एनसीबी ने उनके सारे कारनामों पर विराम लगा दिया। हंसी की ठिठोले खेलने वाली भारती सिंह को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ। ड्रग्स लेने के आरोप में फंस गई है भारती सिंह और उनके तीनों ही घर में छापेमारी हुई है। पता चला है कि उनके घर ड्रग पाया गया है और इसलिए एनसीबी ने दोनों को ही समन कर दिया है। जी हां, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शनिवार को अचानक भारती सिंह के घर पर रेड की और फिर ड्रग लेने के आरोप में उन्हें समन किया है और इसलिए पूछताछ भारती सिंह से अब की जा रही है। जी हां, क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और ये पड़ा थप्पड़ है भारती सिंह के गाल पर एनसीबी का। जी हां, ड्रग पेडलर से पूछताछ में पता चला भारती सिंह का नाम। दरअसल ड्रग मामले के जांच की शुरुआत तो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के नाम सामने आने के बाद ही शुरू हुई और पेडलर की गिरफ्तारी अब तक जितने भी उनमें से एक ने भारती और हर्ष का नाम ले लिया, फिर अंधेरी, लोखंडवाला और बरसुआ स्थित उनके तीनों ही घरों में रेड कर दिया गया है। नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है जिसके कारण भारती बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गई है। भारती मास्क लगाकर नजर आई, सूट पहनी हुई, पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंची। जी हाँ, दोनों को अब पति पत्नी को पूछताछ के लिए कैसे अब जिल्लत सहनी पड़ेगी, इस थप्पड़ का जवाब भारती कैसे देंगी, इस शर्मिंदगी के थप्पड़ का, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि भारती सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस बनने के साथ इस वक्त द कपिल शर्मा शो की एक ऐसी कॉमेडियन है जो कि बहुत ही नामी सक्सेसफुल कॉमेडियन बन चुकी है और हस्बैंड के साथ जिस बड़े मामले में वो फंसी है, इस मामले में उन्हें सालों की सजा हो सकती है अगर वो अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज नहीं करवा पाई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।